दोनों पहले एक रेड बुक में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी और उसके बाद वहां से टेरेस निकल पाए और तब से लेकर के उनकी तलाश थी। उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगहों पे नाके रखे गए थे, कुछ एक खबर थी कि इनकी मूवमेंट किसी एक गाड़ी में होने वाली है। नाके ने जब चेकिंग के लिए गाड़ी को इशारा दिया रुकने का, तो वहां से गाड़ी से जंप करके फैर करके भागने की कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों पुलवामा जिले के रहने वाले हैं और दोनों का संबंध जो है वो लश्करे तैयबा जो है तंजीम के साथ है। इनकी मूवमेंट क्योंकि बडगाम की तरफ से इस तरफ शहर से थी, तो ये श्रीनगर शहर में आ रहे थे, आगे किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जा रहे थे कि ये पार्ट तो तफ्तीश का हिस्सा है, मगर ये अपनी पुरानी जो इनकी हाइड आउट है उसको छोड़ के किसी नए हाइड आउट की तलाश में मूव कर रहे सर, दो इवेंट्स होने वाले हैं, एक तो रिपब्लिक डे है, एक थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। सर, किस तरह की तैयारी है और क्या कांग्रेस पार्टी ने बाजाबता तौर पर परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ, क्या उस तरह से क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं? जहाँ तक रिपब्लिक डे के अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, हम लोग अभी पुलिस कंट्रोल रूम में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग करके आ रहे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी शामिल थे, रेंज डीआईजी शामिल थे, उसके अलावा एडिशन डीजी हमारे विजय जी से, बाकी जो जहाँ के फील्ड ऑफिसर हैं वो शामिल थे। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जरूरतें हैं उनका पूरा इंतजाम किया जा रहा है और रिपब्लिक डे का फंक्शन बहुत अच्छे से सब जगह पे कंडक्ट किया जाएगा जैसे कि हमेशा किया जाता है और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे इंतजाम बड़े कामयाब तरीके से होंगे। दूसरी जो यात्रा का आपने जिक्र किया, वो यात्रा पंजाब से होकर के जेएंडके में कल परसों तक दाखिल होने वाली है। उसके कुछ दिन का पड़ाव जम्मू के अलग अलग जिलों में है और उसके बाद कश्मीर की वैली में वो दाखिल होंगे। 3-4 दिन का जो उनका हिस्सा है वो कश्मीर की तरफ होगा, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है। सुरक्षा की जितनी जरूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको मुकम्मल तौर पे करेंगे। क्या सर उनको 5 फुट यहाँ पे चलने की इजाजत होगी? देखिए वो चीजें अच्छे से रेगुलेट की जाएंगी क्योंकि ट्रैफिक भी चलती है, बाकी चीजें भी हैं और जो बड़ी यात्राएं हैं उनमें लोगों को असुविधा होती है, सड़क ब्लॉक हो जाती है, बड़ी चीजें हैं। अब क्योंकि ये यात्रा है इसमें कुछ पैदल कुछ गाड़ी दोनों तरह के तरीके का इस्तेमाल होता है, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो सिंगल रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकती है उसमें। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।